चारों ओर आलोचना हो रही थी। सब ब्रजवासी उन्हें चोर कहते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियां भी उनका उल्हाना लेके घर पे आती हैं। बाबा के पास भी शिकायत पहुंचती है, लेकिन भगवान ने कभी आलोचनाओं की चिंता नहीं की, क्योंकि उनका संकल्प ऊंचा था। उनका संकल्प बहुत ऊंचा था, तो उन्हें पता था कि एक दिन मेरे कर्म मेरी आलोचनाओं पर भारी पड़ेंगे। कई बार जीवन में, समाज में कई लोग आलोचना करने लग जाते हैं कि अरे ये जो कार्य कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन आपके कर्मों का जब फल निकल के आता है, आप जिस संकल्प के वशीभूत होकर वो श्रेष्ठ पग पर जा रहे थे, तो उस दिन आपकी आलोचनाएं दब जाती हैं। एक देश के राजा को एक बहुत बड़ा देश वीजा नहीं देता था, लेकिन जब वो अपने कर्म फल से वो राजा वहां पहुंचा, तो वही देश उनके लिए नजरें बिछाए बैठा है। तो जब आप अपने उस श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कर लेते हैं, तो फिर आपकी आलोचनाएं मायूस होके वहीं कहीं दम घुट के मर जाती हैं। भगवान कृष्ण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, ऐसे ही नहीं कृष्णम वंदे जगत गुरुम कह देते हैं। भगवान ने यदि माखन चुराया, तो जिसके घर लाखों गाय हैं उसको माखन की क्या आवश्यकता है।
पद्मजा कपिला जिसके यहां है उसे माखन चोरी की क्या आवश्यकता है। लेकिन अपने सखाओं के लिए भगवान ने माखन चोरी की, भूखे ब्रजवासियों के पेट भरने के लिए, क्योंकि कंस के अत्याचार से वो सारा माखन मिश्री तो वहां से निकल के जा रहा था। भगवान अपने भक्तों के लिए चोर बने, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कि कहीं जरासंध उन्हें त्रास न दे, रणछोर बन गए। जिनकी दृष्टि मात्र से जरासंध नष्ट हो सकता था, अक्षरक्षिणी सेना जिनके केवल सोचने मात्र से लुंज पुंज हो जाती, बेडौल हो जाती, लेकिन वो अपने भक्तों के त्रास से उन्हें मुक्त करने के लिए रणछोर बन गया। वो जिसे चाहता था वो तो उसके हाथ नहीं लगी, लेकिन रुक्मिणी जी का मान रखने के लिए, उनके प्रेम पत्र को आदर देते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया। सोलह हजार एक सौ रानियां जो कैद में बंद थीं, उन्होंने कहा समाज में हमें अब कोई नहीं अपनाएगा। उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूं। तो भगवान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं। महाभारत के युद्ध में यदि वो पांडवों के न्याय के साथ ही बने तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ है एक दिन तेरा नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा भुआ मुझे स्वीकार है। तो भगवान ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, और लोगों ने उनका परिचय क्या दिया, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय तो कर रहे हैं पर माखन चोर जरूर कह रहे हैं। जय जय तो हो रही है भगवान की, लेकिन साथ में उसकी माखन चोरी की बात भी लपेट दी है। लेकिन भगवान को जरा भी इस बात का अहंकार नहीं कि मैंने कुछ किया है। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया उसके बाद भी ब्रजवासी उनसे मजाक किया करते थे। कभी किसी ब्रजवासी ने नहीं कहा कि गोवर्धन पर्वत तैने उठाया, और कभी कृष्ण ने भी नहीं कहा कि गोवर्धन पर्वत मैंने उठाया, क्योंकि नारायण को ना अहंकार पसंद है और ना उसे स्वयं अहंकार होता है। उन्होंने तो अपना परिचय बस इतना ही दिया, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव ध्वज, साधु विग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जनप्रिय। मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं तो अपने भक्तों का चेला सेवक दास हूं। ये उसने अपना परिचय स्वयं लिया, और ये केवल कहने भर की या कथन भर की बात नहीं है, उनके सारे जीवन में ऐसा नजर भी आता है। अजब प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, उसने सदैव अपने को हारने में प्रसन्नता प्राप्त की। और भक्तों के लिए बलि ने कहा मैं दर्शन चाहता हूं, नारायण चाहते तो कहते कि तू स्मरण करना, मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा। पर भगवान ने कहा मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा, जब भी तू आएगा जाएगा तू मेरे दर्शन कर सकता है। उन्हें सुख मिलता है,